भाई वेलकम टू मिसी गैंग। भाई आपने इमेजिन किया कराची में इतनी ठंडक, मतलब सोच भी नहीं सकता यार बंदा कराची में इतनी सर्दी। ठंडक मिल रही है यार, आप लोग फील करें। आज हम एक ऐसा काम करने वाले हैं जो पाकिस्तान में किसी ने भी नहीं किया। भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या काम है जो पाकिस्तान में एक भी बंदे ने नहीं किया। भाई आज हम बनाने वाले हैं बर्फ का घर, मतलब पूरा का पूरा बर्फ का। उसमें ना सीमेंट होगी, ना बजरी, ना रेत, ना मट्टी, सिर्फ और सिर्फ ठंडी ठंडी बर्फ। तो भाई हम लोग आ चुके हैं बर्फ की फैक्ट्री में। यहाँ से हम बड़ी बड़ी बर्फ उठाएंगे और हम बनाएंगे आज बर्फ का घर। भाई सोचो पूरा का पूरा घर बर्फ का होगा। भाई बहुत ही सर्दी होगी अंदर। तो कितनी सर्दी होगी अंदर, बहुत। वैसे कराची में ना इतनी शदीद गर्मी हो रही है, देखो सूरज कैसे चमाटे करा रहा है। बिल्कुल चमाटे करा है, बहुत। सोचो हम अंदर जाएंगे टेम्परेचर -10 तक होगा, मजे होंगे। तो भाई हम लोग आ चुके हैं बर्फ की फैक्ट्री में और यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फ बनती है, इतनी ज्यादा कि आप लोग हैरान हो जाओगे, मतलब देखकर हैरान हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। यार मुझे बनाना है बर्फ का घर, ये सारी की सारी बर्फ रखी हुई है ना, इसका घर बनाना है। बनवा देंगे भाई आप? भाई आप लोग के सामने चेक करें, यहाँ पर लाइन से बर्फ ही बर्फ है। भाई जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं ये पूरी की पूरी नीचे बर्फ ही बर्फ है। भाई आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये लकड़ी है, लेकिन ये लकड़ी नहीं है, लकड़ी के नीचे बर्फ ही बर्फ है। ये चेक करो आप, ये बर्फ, अरे ये बर्फ बन रही है, सारी की सारी बर्फ बन रही है। अरे बराबर भाई, अरे बराबर भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बाबर भाई आज हम बना रहे हैं बर्फ का घर। सोचे अंदर कितनी सर्दी होगी यार। भाई सीन ये है कि यहाँ पर बनती है बड़ी बड़ी बर्फ। ये चेक करें सारे के सारे खाने, इसके अंदर सबसे पहले ये पानी भरते हैं। पानी भरने के बाद जो है ना 2-3 दिन छोड़ देते हैं, 2-3 दिन बाद ये बर्फ बनती है पूरी की पूरी। भाई मैं दिखाता हूँ आपको हमारी बर्फ कितनी बड़ी होगी। इधर आओ, ये चेक करें, माशाल्लाह से इतनी ज्यादा ठंडी हो रही है यार, हाथ लगाते ही सर्दी लग रही है। पर ये बर्फ होती है 4 मन की, 4 मन मतलब 160 kg, इतनी भारी ये बर्फ है। बहुत मजा आने वाला है भाई। आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लो। भाईजान कभी आपने सुना है बर्फ का घर बन रहा हो? कोई सुना है कभी? नहीं सुना ना। आज पाकिस्तान में बर्फ का घर बनने वाला है। माशाल्लाह से भाई हमारी बर्फ जो है लोड हो रही है गाड़ी के अंदर, ये सारी की सारी बर्फ हमारी जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ले जा उस्ताद, ले जा गाड़ी के अंदर लोड कर। ओ भाई साहब ये बर्फ आ गई हमारी पूरी की पूरी। भाईजान कितनी बर्फ जा रही है? 30 ब्लॉक जा रहे हैं। 30 ब्लॉक, ओए हमें कितने ब्लॉक चाहिए अभी? आपको 30 लाख वाला घर तो बनाना है ना, बड़ा वाला। बड़ा वाला अगली बार, असल में पैसा नहीं है ना यार, रोकड़ा पानी नहीं है। भाई अभी जो है ना हम 9 ब्लॉक वाला बनाएंगे, अगर ये लोग कमेंट में बोलेंगे, लोग बोलेंगे तो हम 30 ब्लॉक वाला भी बनाएंगे। भाई ये चेक करें, ये बर्फ इस तरह निकाली जाती है अंदर से। भाई अब मेरा चैलेंज है कि बर्फ इतनी भारी बर्फ है ये, इसको मुझे उठाना है। आप नहीं निकाल सकते इसको? क्यों नहीं निकाल सकता यार? मैं कह रहा हूँ ना नहीं निकाल, घर अगर मैंने निकाल लिया तो? निकाल लिया तो फिर देख लेंगे, 1 लाख रुपए शर्त। 1 लाख रुपए दे रहे? अरे भाई 1 लाख रुपए दे रहा है भाई, तो मैं अपनी सारी जान लगा दूंगा। अच्छा ये हाथ नहीं लगाएगा आपको? मैं खुद निकालूंगा। ये चाहिए फिर? अबे ये देखो एक हाथ से निकाल रहा हूँ यार। अबे वो अब क्या हुआ? बिस्मिल्लाह नहीं निकाल सकते। अबे भाई ये देखो, छोड़ना नहीं आज। अबे यार वो नीचे से गीला हो गया। वहाँ ले जाना भी है? अगले जाना है? हाँ वहाँ ले जाना भी है। जाऊंगा ले जाऊंगा। ये आपका भाई लेके जा रहा है, 1 लाख रुपए जीतने वाला हूँ। 1 लाख रुपए? ओ भाई साहब, अबे 1 लाख रुपए तैयार है? ए आपके भाई ने रख दिया। इमरान खान की हुकूमत आएगी ना फिर दूंगा 1 लाख रुपए। क्या पता था तुम निकाल लोगे यार, जान है ना वैसे। तो भाई फाइनली हमारी सारी की सारी बर्फ जो है ना रेडी हो चुकी है। अब हम इसको लेके जा रहे हैं पार्क में और वहाँ पर बनाएंगे हम बर्फ का घर। भाई आप लोग कमेंट में बताओ अगला पार्ट हम बनाएंगे, 30 ब्लॉक वाली बर्फ का घर बनाएंगे, अगर आप लोग कमेंट में बता दो। तो भाई हम लोग जा रहे हैं अपनी बर्फ लेकर और माशाल्लाह से यार बैग से इतना ठंडा ठंडा फील हो रहा है, मतलब मजा आ रहा है। वैसे आज कराची में गर्मी बहुत है लेकिन मुझे ट्रक में बैठ के गर्मी बिल्कुल फील नहीं हो रही। आज बर्फ के घर में बैठोगे? बर्फ का घर बना रहा हूँ, आ जाओ। 120 गज का प्लॉट है, अच्छी लोकेशन पे, वॉशरूम भी है। अबे ऐसा लग रहा है मैं कोई सलमान खान हूँ, मेरी एंट्री हो रही है उस्ताद। अम्मी जान कहा करती थी कोई बर्फ छोटी नहीं होती और बर्फ से ज्यादा ठंडा कुछ नहीं होता। भाई एक बहुत ही मशहूर शायर ने कहा था, जब बर्फ आती है तो ठंड बढ़ती है, जब ज्यादा बर्फ आती है तो ज्यादा ठंड बढ़ती है। भाई इसमें से कुछ बर्फ थी हमारी और कुछ है डिलीवरी वाली, तो ये डिलीवरी कर दी भाई को, पठान भाई हमारे डिलीवरी कर रहे हैं। भाई अपने नाम तो बताएं। करामुल्ला, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई ये चेक करो, सारी की सारी सेलेना इस तरह जाती है, यहाँ डिलीवर होती है, इसके बाद यहाँ से लोग लेकर अपने घर में लेके जाते हैं। भाई जैसे जैसे दिन गुजर रहा है गर्मी बढ़ती जा रही है, मैं तो सोच रहा हूँ जब तक घर नहीं बन रहा अंदर आ जाऊं। ओ भाई
यार अंदर क्या सर्दी हो रही है, मजे का माहौल है यार, कहीं से पता ही नहीं चल रहा मैं ट्रैफिक के दरमियान हूँ। सोचो यार आप लोग जब घर बनेगा तो हम लोग की क्या फीलिंग होगी, मतलब मजा आएगा अंदर शदीद गर्मी में ठंडी ठंडी बर्फ। ओए होए भाई वेलकम टू मिसी गैंग, फाइनली हमारी सारी की सारी बर्फ आ चुकी है। तो भाई हमारा है सदा बहार पार्क, गोले लाला पार्क, यहाँ पर हम अपना सेटअप बना रहे हैं, वहाँ पर हमारा बनेगा इंशाल्लाह बर्फ का घर। तो अभी ट्रक से उतर के चिंची में बर्फ आएगी और चिंची से सीधा अर्बन फॉरेस्ट के अंदर जाएगी। हाँ भाई चिंची वाले भाई, आज तक सुना है वैसे बर्फ का घर कोई बना रहा हो? हाँ सुना है। अबे तो कच्ची घर। अबे बोलो नहीं सुना, बोलो नहीं सुना, नहीं सुना। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, सारे लोग भी देख रहे हैं ये क्या हो रहा है भाई, करना क्या चाह रहे हैं ये लोग। ओए होए ओए होए, क्या चमक रही है बर्फ माशाल्लाह। भाई देखो ये कैची होती है, इससे बर्फ उतरती है। देखो भाई ये हमारी चिंची आ गई, इसमें इंशाल्लाह ट्रांसफर होगी यहाँ से सीधा। दो ब्लॉक आ गए माशाल्लाह से भाई। चला सकते हो क्या? हाँ चलाएंगे यार, अबे चला लेंगे यार, अबे टेंशन नहीं लो, अबे हमने बड़े बड़े लोग चलाए हैं यार। देखो आपका भाई है शपाटर लोंडा। तूने कहा था बर्फ नहीं उठा सकता, हमने उठाया ना, लाख रुपए उतारे ना मेरे पे। हाँ तो अगर चलाई जी दिखा तेरे को लाख रुपए और जाना पड़ेगा। 2 लाख रुपए? ओए हो पैसा ही पैसा हो गया। चल भाई आपका भाई शपाटर शपाटर लौंडा। ओहो भाई ओ भाई, हेलो भाई आपका भाई सपाटर लौंडा जा रहा है बर्फ लेकर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ए माशाल्लाह माशाल्लाह, ए बर्फ वाला। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, तुमसे ना हो पाएगा। अबे उस्ताद ये क्या हुआ? अबे भाई इसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल काम है यार, मतलब मैं सोच रहा था बहुत आसान होगा लेकिन अचानक से यूं लुढ़का हुआ है। ओ भाई अबे बच्चा तो हंस क्या रहा मेरे ऊपर, अबे हंस ले यार मेरे ऊपर यार, इंसल्ट फील हो रही है यार। अबे यार ये सारे मेरे ऊपर हंस रहा है यार। फाइनली हमारे 4 ब्लॉक्स आ चुके हैं माशाल्लाह से। भाई सीन ये है, बर्फ जो है ना वो किसी कच्ची जगह पे नहीं टिकती क्योंकि बर्फ फिसलती है, सही है भाई। तो हम लोग उसके लिए लेकर आए पट्टे, ये पट्टे लेकर आए, इसके ऊपर इंशाल्लाह पूरा का पूरा घर बनेगा, सही है भाई। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ये उस्ताद मेरा भाई। भाई पूरा का पूरा सेटअप रेडी है, जब हमारा बर्फ का घर बनेगा उसके बाद हम लोग बनाएंगे रू अफजा, मतलब गोला गंडा बनाएंगे पूरा का पूरा। ये मेरा भाई फ्रेम बन गया है, मेरा भाई ये फ्रेम बन गया, इसके अंदर आएगा हमारा बर्फ। माशाल्लाह से भाई ये सीन हो गया, इसको ऐसे रख रहे हो आप, खड़ा कर दो मामा, खड़ा कर दो। ए मामा ने पूरा खड़ा कर दिया, जबरदस्त। चले भाई माशाल्लाह से अब उतर रहे हमारा दूसरा ब्लॉक। भाई हमारा प्लान ये है कि 3 ब्लॉक्स हम इस तरह रखेंगे, 1 2 3 वहाँ पर 2 रखेंगे और उस तरफ भी 3 ब्लॉक्स की दीवार बनाएंगे और सामने से इंशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा हम दरवाजा बनाएंगे। माशाल्लाह से भाई एक तरफ की दीवार बन चुकी है, अभी ये दूसरी तरफ की दीवार बन रही है और हमारे इकराम भाई माशाल्लाह लगे हुए फुल मजबूत बंदे हैं, अल्लाह ताला इनकी 4 शादियां कराएगा। एक से तंग हो गया असल, 4 शादियां कर रो, लड़ती रहेंगी तू आजाद रहेगा, सही है। मजा आया। माशाल्लाह से भाई हमारा आधा घर जो है ना बन चुका है और मौसम भी बहुत ही प्यारा हो गया, मतलब सूरज अचानक से गायब हो गया। सूरज बोल रहा यार इतनी ठंडी ठंडी बर्फ लाए हो तुम लोग, बस मैं भी ना ठंडा हो जाता हूँ। भाई छोटा सा बंड ये हुआ है कि एक बर्फ का ब्लॉक है ना वो थोड़ा सा टूट गया, बाकी हमारे चारों तरफ तो हो गया अभी। भाई घर जो है ना तकरीबन बन चुका है, दीवारें खड़ी हो गई है, अब सिर्फ नीचे के लिए फर्श चाहिए और ऊपर के लिए छत चाहिए। तो उसके लिए हम लोग अपने साथ एक प्लास्टिक लेकर आए और नीचे के लिए दरी लेकर आए, तो नीचे बिछाते हैं और ऊपर छत बनाते हैं, उसके बाद हमारा घर है तैयार। चलो भाई हमारा छत का और फर्श का दोनों का इंतजाम हो गया और अंदर एक अदद कुर्सी भी होगी। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बर्फ का घर तैयार हो चुका है और बाबर भाई ने बहुत ही गलत हरकत की, पहले ही चले गए यार अंदर। बाबर भाई यार ये क्या यार, आप चले गए, सस्पेंस खराब कर दिया यार। वैसे ये बता अंदर जाके माहौल कैसा था? -2 कराची में भाई साहब ये कह रहे हैं भाई। अब जो है ना ये भाई हमारे बेचारे अंदर चादर, ताकि हम आराम से अंदर जाके बैठे और अंदर जाके हम खाएं गोला गंडा। बाबर भाई ये क्या कर रहे हैं आप यार? वो आपने कहा था कि मुझे गोला गंडा खाने का दिल चाह रहा है, तो मैं बस आपकी ख्वाहिश के लिए। अरे भाई मतलब दीवारों को तोड़ के गोला गंडा बना रहे? गोला गंडा दो भाई, ये भाई इसके अंदर डालेंगे रूह अफ़ज़ा और गोला गंडा। यार क्या बना है बेहतरीन किस्म का। चले भाई बॉयज अंदर चले, रेडी हो? चलो। एक मिनट पहले बोलो मिसी गैंग जिंदाबाद। मिसी गैंग जिंदाबाद। आवाज नहीं आ रही यार, आवाज तो निकालो। मिसी गैंग जिंदाबाद। भाई अब जाने वाला है आपका भाई बर्फ के घर के अंदर। ओ भाई ये क्या है, वैसे ये वॉशरूम लग रहा है, बर्फ का घर नहीं लग रहा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे भाई क्या ठंडक मिल रही है यार, ओए ओए क्या मजा आ रहा है अंदर। मैं तो कह रहा हूँ आलती पालती मार के बैठ जाओ यार। पीछे कमर भी लग रही है उस्ताद, ठंडा ठंडा फील हो रहा है यार। क्या फीलिंग आ रही है, मतलब बेहतरीन किस्म की। पता ही नहीं चल रहा कि कराची में गर्मी है, ऐसा लग रहा है हम सर्दी में रह रहे हैं। ठंडक मिल रही है यार, आप लोग फील करें। इस वक्त बाबर भाई कह रहे हैं -2 के करीब टेम्परेचर अंदर होगा। ओए ओए उसामा भाई अंदर आओ यार। उसामा भाई क्या करोगे, बाहर रह के अंदर आओ यार, बस फील करो यार, आप फील करो। ओए ओए आंखें बंद करो और फील करो। भाई आप लोग जो है ना सब्सक्राइब लाजमी कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया ना यार बड़ा दुख होगा यार। मतलब आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है कंटेंट के लिए, आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते, गलत बात है ना यार। यार मैं तो कह रहा हूँ बाबर भाई को भी बुला लेते हैं यार। बाबर भाई इतने बड़े आ जाएंगे। आएंगे नहीं, ऐसा ना दीवार वीवार गिर जाए। बाबर भाई अंदर तो आए, कहाँ बाहर गर्मी में बैठे हुए। अंदर आए, अंदर आए। बाबर भाई आपका आधार का नोट निकल रहा है। ओहो हो भाई आराम से बैठ जाए, बैठ जाए, टिक जाए, टिक जाए। अरे बाबर भाई कैसी फीलिंग आ रही है। मुझे लग रहा है कि ये ठंड तो लगी रही है, साथ डर भी लग रहा है। डर क्या लग रहा है? डर ये लग रहा है कि ये बर्फ की सीले अगर गिर गई ना तो इस टाइम पे दो चैनल जो है दब जाएंगे अंदर। आप तो कह रहे थे मुझे डर नहीं लगता। मैं मजाक कर रहा था। लेकिन बाबर भाई यहाँ पर मतलब गिर के मरेंगे भी ना फिर भी मजा आएगा, पता है। ठंडी मौत होगी, ठंडी मौत, ठंडे जोक के साथ। अभी हम लोग बनाने वाले हैं गोला गंडा। बाबर भाई है हमारे शेफ। ओए चलो बाबर भाई, ओए प्याला गया लेकर आओ, प्याला लेकर आ, रूह अफ़ज़ा लेकर आ उस्ताद। ओ आ गया भाई हमारा रूह अफ़ज़ा और प्याला। ओए होए बाबर भाई मजे का गोला गंडा बना दे यार, जबरदस्त किस्म का। मतलब जो वो वाला होता है ना 1000 रुपए वाला गोला गंडा, वो बनाया। ओए होए भाई गोला गंडा बन रहा है हमारा, प्याली के अंदर बर्फ जमा होगी। अबे उस्ताद काम हो गया। अभी छोड़े हैं सारी बातों को, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ डाले रूह अफ़ज़ा, यहाँ डाले रूह अफ़ज़ा, यहाँ डाले रूह अफ़ज़ा। फिर क्या होगा? रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाए। रूह अफ़ज़ा का शरबत, रूह अफ़ज़ा लाओ, रूह अफ़ज़ा लाओ। पानी लो, पानी लो, पहले पानी अच्छी तरह धो लो जरा। इससे पहले हम क्या डालेंगे? पानी, पानी लीजिए। ये लीजिए पानी आ गया इसके अंदर। अब इसमें डलेगा मजे मजे का रूह अफ़ज़ा। आ हा 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 हा, ये आपका भाई प्याली में भर के ये। नीचे तो देखें यही भी शुरू हो गया भैया। रेड कलर का पेशाब कौन करता है? और भाई रूह अफ़ज़ा पिए। आवाजें निकाले बहुत ही। आवाम को लगना चाहिए बहुत मजे का है, वैसे है नहीं, समझ रहे हो? आपकी एक्टिंग का टेस्ट है आज। आहा। यार मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है बाहर, मैं तो अंदर ही जा रहा हूँ भाई। अंदर का मौसम माइनस में चल रहा है, आप अंदर ही चले। अंदर ही चलते हैं यार, ये खराब हो जाएगी यार, नहीं देखा जाएगा फिर, आप काले हो जाएंगे, अंदर चले आप। अबे यार ये इतना उठाता है ना बंदा यार। यार एक काम करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ छत वत हटा देते हैं हम लोग, छत हटा के आराम से बैठते हैं सुकून से। भाई छत हटा दो, बर्फ निकालो, बर्फ फेंको ये वाली सारी, हटा छत। ओ भाई बचत बचत बचत। ये भाई हो गया ओपन हाउस, मतलब डायरेक्ट जो है ना ऊपर की हवा भी आ रही है और अंदर की बर्फ भी है। व्लॉग आगे बढ़ाने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि तुम लोग भी मिशी गैंग ज्वाइन कर सकते हो। जो 60 बच्चे मुझसे पहले शर्ट परचेज करेंगे उनके साथ आपका भाई बनाएगा एक पूरा का पूरा व्लॉग, और वो सारे के सारे बच्चे मिशी गैंग में शामिल हो जाएंगे। तो भाई अभी जाओ और मिशी गैंग की शर्ट परचेज करो और मिशी गैंग में शामिल हो जाओ। नीचे नंबर शंबर दिए हुए, अभी जाके ऑर्डर करो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये फ्रंट हटा के ना, हाँ, एक हम सब इसके अंदर बैठते हैं। सब बैठे, सब आ जाए ऐसी बैठ देंगे, ऐसी बैठ देंगे। आ जाए, आ जाओ लड़को सारे, आ जाओ। अरे आ जाओ लड़को सारे, जितने ठूस सकते हो ठूस जाओ, बहुत जगह है। अरे भाई ये देखो हमने रूह अफ़ज़ा डाला था ना, पूरा रेड रेड हो रहा है यार ये वाला, अंदर तक रूह अफ़ज़ा चला गया पूरा। भाई बहुत सर्दी लग रही है यार। हाँ अंदर का टेम्परेचर जो है ना इस वक्त माइनस में चल रहा है, माइनस में, क्योंकि हमारे चारों तरफ बर्फ है। ये देखो ना भाई चारों तरफ बर्फ है, शर्म सर्दी लग रही है ना अंदर। यार अंदर बहुत ऊपर भाई, ए रूह अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा। अबे भाई हर तरफ रूह अफ़ज़ा डाल दिया। अरे भाई ये क्या कर रहे हो, भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या सीन है भाई, ये क्या हो रहा है भाई। इतनी ज्यादा गर्मी है यहाँ पर, ये चेक करें बर्फ पिघलना स्टार्ट हो गई है। अब हम ये टेस्ट करेंगे कि हमारे घर में कितने बंदे आ सकते हैं, एक एक करके ठूसते हैं। चलो भाई पहला बंदा आ गया अंदर। ए बाबर भाई भी आ गए, सबसे मोटे बंदे भी आ गए भाई। ये हमारे पतले पतले वानी नहीं पानी नहीं। चलो ये भी आ गए, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ और ठूस जाओ, बिल्कुल जगह बनाओ, जगह बनाओ। और आ जाओ इकराम भाई, आप भी आ जाओ, इकराम भाई आप भी आ जाओ, आ जाओ लड़के तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, इकराम भाई जगह बनाओ, उसकी जगह बनाओ, जगह बनाओ। अरे भाई इतने सारे लोग, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ सारे, आ जाओ सारे, आ जाओ भाई। ये क्या गिर रहा है ऊपर से? उस्ताद ये क्या गिर रहा है? बर्फ की बारिश हो रही है ऊपर से, क्या कोई जिन्नात विन्नात तो नहीं? अबे नहीं कर रहा, इतना ठंडा ठंडा पानी भाई। वैसे भाई आप चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बंदे खड़े होके आराम से आ गए। ओए होए मतलब हमारा तजर्बा। लेट सकते हैं? किसके साथ लेटा है तुम्हें? अबे ये क्या कर रहा है उस्ताद?
करो 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 2 रुपए का और करो। इसके अंदर बंदरों वाली फसलत है। वाह भाई वाह भाई। ओपे बर्फ बर्फ बर्फ। अबे बर्फ गिरेगी आगे जा आगे जा आगे जा। ओ भाई साहब ओ भाई। मैं चढ़ के दिखाओ। और ये लो और चलो चलो भाई। ये देखो अच्छा ये आपका भाई फिट है। कौन चढ़ेगा? सैरन तुम चढ़ के दिखाओ। अरे भाई ओ बर्फ अंगमर चढ़ा अंगमर। बचत बर्फ की बचत हो गई। इतनी ज्यादा ठंडी है और इसके अंदर का पानी ये दिखाओ भाई। इतना ज्यादा ठंडा हो रहा है कि बंदा थोड़ी देर तक भी हाथ नहीं रख सकता। अबे भाई पूरा हाथ जम गया मेरा तो। ये पानी एक काम करता हूँ मुंह में डालता हूँ यार। ओए 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 हा 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 कांपने लग गया ये तो। चश्मे को भी ठंड लग रही है। मेरा दिल ये पुकारे आजा। अबे यार आज जुमरात नहीं है, हिजड़ों की तरह मच्छी थी यार। इसकी आवाज तो ऐसे निकली है। करम मांगता हूँ काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। ठंडा ठंडा पानी डालो। बर्फ का सेटअप ऐसा लगाओ। एक दिन तो कम से कम एंजॉय करो। ये है कि अपना आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। कराची में ही मरी, कराची में ही नारायण, कराची में ही कागन। भाई शहरी के बाद बंदा ये सेटअप लगा ले अफतारी तक आराम से बैठा रहा यार। वैसे थोड़ी देर ना खामोश होकर मतलब फील करो, आप ठंडक को फील करो। ऐसा लग रहा है कि मतलब डीप फ्रीजर में बैठे हैं। अभी एक और आइडिया आया। क्या? 24 घंटे डीप फ्रीजर के अंदर रहते हैं। बस 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 ये होना चाहिए। अगर आप लोग कमेंट में बोलो 24 घंटे डीप फ्रीजर के अंदर हम आपके लिए बैठेंगे। लेकिन सब्सक्राइब पहले कर दो आप। वैसे आपको एक बात बताऊं, बर्फ ना पिघलना स्टार्ट हो गई है। ये देखो ना गैप बढ़ता जा रहा है। असल में मसला है गर्मी बहुत है भाई। आपने पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन देखा है? बर्फ का घर बनाओ यार। वैसे लोंडो के साथ बंदा ना हो ना, अपनी बेगम बेगम के साथ ऐसे बैठा हो यार, कैसे रहा है? इसकी नई नई शादी हुई है ना, ऐसा रहे ये इमेजिन करने लग गया अभी से। अबे भाई आप ये चेक करो, पूरी बर्फ पिघल रही है नीचे से। अबे उस्ताद दीवार गिर ना जाए। तो भाई उम्मीद है आज के व्लॉग में आपको मजा आया होगा, मतलब चस आ गई यार। हम लोग को भी बहुत ज्यादा मजा आया। अगर मजा आया आप लोग को तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, किसी और कंटेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिशी गैंग जिंदाबाद।